अक्षय कुमार का ये विवाद इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें लोग विदेशी क्यों कह रहे हैं, उनके सिटीजनशिप को लेकर के लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए वीडियो में, अभी हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी सच्चाई। वैसे तो अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में खूब करते हैं देशभक्ति की बातें और उनके देश सेवा करने के तरीकों को लोग भी काफी पसंद करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की नागरिकता वाले सवाल पर। तो आपको बता दें कि ये मामला 2016 में पहली बार तब सामने आया था जब अक्षय कुमार को एक एयरपोर्ट पर काफी समय तक रोका गया था और तब पता चला था कि उनकी जो पासपोर्ट है वो भारत की है ही नहीं। दरअसल देखा जाए तो अक्षय कुमार के रिश्ते नरेंद्र मोदी से काफी अच्छे हैं और उनके नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू भी सामने आते रहते हैं, इसलिए विपक्ष ने उन्हें नागरिकता को लेकर सवाल उठाया है और अक्षय कुमार ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मेरी नागरिकता का सवाल उठाने वाले आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या, मुझे मेरे देशभक्ति साबित करने के बजाय कुछ देश सेवा कर लीजिए, मैं अपने तरीके से हर संभव देश की सेवा करता रहूंगा। आपको बता दे कि अक्षय कुमार का पासपोर्ट जो है वो इंडिया का नहीं बल्कि कनाडा का है। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है कि मेरी फिल्में उन दिनों नहीं चल रही थी, 15-20-25 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और मैं कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होकर काम करने के बारे में सोच रहा था। तभी मेरे एक कनाडा के दोस्त ने मुझे वहां आकर काम करने की सलाह दी और मैं भी इससे सहमत हो गया और तब तक मैं वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई कर चुका था और वो मुझे मिल भी चुकी थी और उसके बाद मेरी फिल्में यहां चलने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले 8 सालों से कनाडा नहीं गया, मैं अपने देश में हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने तरीके से देश की सेवा करता रहूंगा। आपको बता दें कि भारत में दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं है। अक्षय कुमार आने वाले दिनों में भारत की नागरिकता वापस लेते हैं कि नहीं, ये अभी भी सवाल है। फिलहाल वो भारत में बोध नहीं करते हैं। कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट?